अचरज है, अभी तक नहीं आया। अचरज है, अभी तक नहीं आया। कब आएगा? कब आएगा? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि भास्कर अभी तक नहीं आया, कब आएगा? और मैं ये पूछ रही हूँ कि पानी अब तक नहीं आया, कब आएगा? पानी के बिना घड़ा और गला दोनों सूख गए हैं। आएगा माँ, आएगा, पानी भी अवश्य आएगा। अच्छा सुनो, आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए वेन पोंगल, पुत्तू, बेसरत्तू, अप्पम, पुसरेत्तू, बड़े सब बनाऊंगा। बस 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 बस, ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सच? हाँ, हमारे मुंह में भी। और ये अम्मा नहीं, हम कह रहे हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, पानी आएगा, अवश्य आएगा। कैसे हम सबके मुंह में पानी आ गया? निर्लज्ज अपनी माँ से उपहास करता है। नहीं नहीं, अरे रुक, अरे रुक, अरे माँ मत, अरे अम्मा लग जाएगी, अरे अम्मा लग रही है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ अम्मा। अरे ये क्या, पंडित रामाकृष्णा जैसे महापुरुष का भी घर में ये हाल है? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? कभी तेरी माँ ने तुझे मारा नहीं है क्या? पंडित रामाकृष्णा की जय हो। वो जय बोल रहे है, अब तो छोड़ दो। बताओ तो क्या सोचना है? पंडित रामाकृष्णा, क्षमा चाहता हूँ, किंतु वो दोनों मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। क्या ओझल हो गए? हे भगवान, कहीं प्रजा में से किसी ने उन्हें सत्य बता दिया कि नदी में से हीरे की खदान मिली ही नहीं है, तो क्या होगा? हे, कहाँ जा सकते हैं दोनों, कहाँ जा सकते हैं? हाँ, एक स्थान है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अरे आप कहाँ जा रहे? बताया था ना, विशेष अतिथि आए हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। हाँ, किंतु पानी, वेन पोंगल, उत्तू, पेसरत्तू, अप्पम, उत्तपम, बड़े, देखा कैसे हम सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल, अभी तक इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि यहाँ की नदी में हीरे की खदान है या नहीं। इसके मुतल्लिक आपके दादा हुजूर कुछ नहीं कहते थे? जहाँपना, इसके मुतल्लिक हमारे मामा हुजूर एक कहावत कहा करते थे कि अगर भीतर जाने का रास्ता दरवाजे से ना मिले तो खिड़की तलाशनी चाहिए। हमारे चाचा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे कि अगर घर के दरवाजे बंद हो तो खिड़कियों से क्या उम्मीद रखे। वाह वाह, बहुत जहीन थे आपके चाचा हुजूर। वैसे कहाँ से तालीम ली थी उन्होंने? बस वहीं से जहाँ से आपके मामा हुजूर ने ली थी। जहाँ बना, वैसे तो वाजिब फरमाते थे वो, लेकिन अभी आप देखिए कैसे उस घर में दाखिल हुआ जाता है जहाँ हर रास्ते से पर्दा फाश हो जाएगा। वो देखिए, आइए जापना। जय हो, जय हो। दूर 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 हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। हट जावे हैं। अरे हम ना हुए कोई सरकारी धर्मशाला हो गए, जिसे देखो गले पड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सब उस धूर्त पंडित रामाकृष्णा और कपटी बीरबल के कारण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जन्म में हमारे हाथ सीधे होंगे ही नहीं। बस अभी ठीक कर देवे हैं। वैद हो, व्यापारी है, व्यापारी होकर हमारे हाथ कैसे ठीक करोगे तुम? क्यों नहीं, तो यूं ठीक कर देवे हैं हम, ऐसे ठीक होवे हैं, देखते जाइए। सिक्के से हमारा उपचार करोगे? अगर ये स्वर्ण मुद्रा नीचे गिरने से पहले आपने पकड़ ली
तो आपकी हो जावे है। हमारी हो जाएगी। देखो ये उछली। ये क्या किया तुमने? मारी मुद्रा थी, मैंने रख ली। उपचार के बाद दवाई की तो कोई जरूरत ना होवे है ना? गुरुजी, 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 अपने हाथों को ध्यान से देखिए, आपके हाथ तो ठीक हो गए। गुरुजी, अब आपको वैद्य जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महोदय, यदि आप चार आने भी उछाल देते तो हमारे गुरुजी इतने लालची हैं कि वैसे ही ठीक हो जाते। ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपके आभारी आभारी। वैसे आप लोग कौन हैं? कहाँ ना व्यापारी हैं। हमारे कान में एक बात पड़ी है कि विजयनगर दक्षिण का सर्वाधिक संपन्न राज्य बनने वाला है। हाँ, तुम्हारे को एक विचार आवे है कि क्यों ना हम हमारा धन भूमि क्रय में यहाँ निवेश करें। बस एक चोखा मानुष मिल जाए जो हमें भूमि दिला दे, धन की कोई कमी ना होवे है हमारे पास। पंडित रामाकृष्णा की युक्ति भले जैसी भी हो, किंतु हम उससे लाभ उठा सकते हैं। धन अर्जित करने का ये सुअवसर चूकना नहीं चाहिए। सत्य कहा आपने। हाँ, आप चिंतित मत हो, हम आपको उचित दाम में उपयुक्त स्थान पर भूमि दिलवा देंगे। आप दिलवाएंगे? देखिए, हमारा भूमि का क्रय विक्रय करने का व्यवसाय है। देखिए महोदय, अभी संध्या हो चुकी है तो अभी नहीं है, कल प्रातः आप यहीं पर आ जाइए, हमसे भेंट कीजिए, हम आपका कार्य करवा देंगे। प्रातः का? हाँ, आवश्यक बात तो हम भूल ही गए। इसके फल स्वरूप हम आपसे मात्र 500 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। खिड़की खुल रही है। खिड़की? कुछ कहा आपने? वो हमारे स्वामी से विचार विमर्श कर रहे थे हम। कीजिए कीजिए कीजिए। वो व्यापारी है ना? बहुत धन है इनके पास। घनी दूर से आवे हैं, कल फिर से लौटने में कष्ट हो जावे है ना? यदि आज रात को यहाँ रुकने के लिए किसी अतिथि गृह की व्यवस्था हो जाए तो काम हो जावे। हाँ है, है? अरे हमारे निवास पर ही तो अतिथि गृह है। आपके निवास स्थान पे? हाँ, वहीं रहिए आप। और हाँ, मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में कक्षा आपको मिल जाएगा और भोजन निःशुल्क। ठीक है, हम रात आपके यहाँ गुजार लेंगे ताकि सुकून से सो सके। ये किस भाषा का प्रयोग किया आपने? व्यापारी है ना, नगर नगर भ्रमण करते रह वे हैं, इसलिए कोस कोस का पानी, कोस कोस की वाणी, यही भाग्य है हमारा। हाँ, चले अवश्य आइए हमारे पीछे पीछे। ये सब ठीक है, सब ठीक है। शिव 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 हे भगवान, आज जल के अभाव में आम्रपाली स्नान नहीं कर पाई तो रसोई में नहीं आ पाई, अब रसोई में नहीं आई तो भोजन नहीं पका पाई, उसने भोजन नहीं पकाया तो आज हमें स्वयं अपने हाथों से ये भोजन पकाना पड़ा। न जाने कैसा बना होगा, ज्ञात नहीं। हमारी लाज रख लेना है। हाँ। क्या सुगंध आ रही है धनी, क्या सुगंध आ रही है, आज तो आनंद आ जाएगा। आनंद तो आएगा ही मनी, आज सुबह ही मैंने अपनी कुंडली को देखा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि आज धनी मनी को अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी, यही तो है वो भोजन। मेरे बच्चों,
तुम दोनों ने कुंडली ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ी। अरे उसमें ये भी तो लिखा था कि आज तुम दोनों को भोजन में अत्र और मात्र पिटाई ही ग्रहण होगी। अरे तुम, अरे गुरुजी कह रहा गुरुजी लगे लगे कि कुंडली लगेगी। भागो यहाँ से। किंतु भोजन तो कराइए। अरे दुष्टों, भोजन उन व्यापारियों के लिए है जो हमारे अतिथि हैं। भागो यहाँ से, वो आते ही होंगे। भागो यहाँ से। अरे पधारिए पधारिए पधारिए। स्वागत 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 है आप दोनों का। विराजी गर्मा गर्म भोजन तैयार। सुगंध तो घनी चोखी आवे है। ये आपके लिए है। ये क्या? हमारे यहाँ परंपरा है, किसी के भी आवाज पर अतिथि बनकर जावे हैं तो खाली हाथ न जावे हैं। भेंट आपके लिए खास। अब भेंट तो हम कभी भी स्वीकार कर ले। किंतु ये है क्या? हमारे प्रदेश की प्रसिद्ध ठंडाई भोजन के पहले आपको पिलाना चाहते हैं। धन्य हो भाग हमारे जो हम यहाँ पधारे। लाइए लाइए, हमें भी इसका रसा स्वादन कराइए। रसा तो कराइए। क्षमा कीजिए, ये हमारा इनके प्रति प्यार है। क्या है कि ये दोनों हमारे मुंह लगे सेवक, तभी दोनों ठंडाई को मुंह लगाना चाहे हैं। लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए। आह पसंद आया? आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है। इधर भी डाल दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा ही डाल दीजिए। महोदय क्या चमत्कार है आपकी इस ठंडाई में। इसे पीते ही हमारी गुरुजी की तो भाव भंगिमाएं परिवर्तित हो गई है। इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा, वरना तथाचार्य जी से सत्य नहीं उगलवा पाएंगे। क्या है? क्या हुआ? आप दोनों इनके सेवक हो, इनके बारे में ऐसा कहते हुए शर्म ना आवे है। क्या कह दिया ऐसा? क्या कहा इन दोनों ने हमारे विषय में? ना ना ना, रहने दीजिए, हम कह ना पाएंगे। नहीं नहीं, आप कहिए। ना ना, रहने दीजिए, आप सुन नहीं पाएंगे। हम नहीं सुन पाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे, फिर भी आप कहिए। आप इतना कह रहे हैं तो कान यहाँ लाइए। इनका इतना तो साहस, छोड़ेंगे नहीं हमें। अरे मूर्खो, हमारे विषय में ऐसा कहते हो, अभी बताते हैं। भाग जाओ यहाँ से। शांत शांत तथाचार्य जी, शांत। ये लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए। ये थोड़ी और हो जाए। उसके पश्चात हम भोजन का आनंद लेंगे। अवश्य अवश्य। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हृदय आनंदित होकर पक्षी की भांति उड़ना चाहता है।
उड़िए उड़िए। अरे क्या आनंद आनंद आ गया। इसी बात पर हम आप दोनों का चुंबन लेना चाहते हैं। अरे खड़े होकर चुंबन देने की क्या आवश्यकता है, बैठे बैठे भी दे सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, हम खड़े होकर चुंबन ले लेते हैं। आप वहीं से दे दीजिए, हम यहीं से ले लेंगे। तो यहीं से दे देते हैं और यहीं से ले लीजिए। गणी खम्मा गणी खम्मा। बीरबल जी, शरबत में नशे की दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी है आपने। जहां पना, लेकिन सच उगलवाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए। अब कारोबार की बात कर लें। हैं? किसकी? व्यापार की। नहीं, पहले आप हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछिए। आपको ये सूचना कहां से प्राप्त हुई कि विजयनगर जो है वो दक्षिण का सबसे संपन्न राज्य बनने वाला है? ये तो आपको बताना ही होगा। है ईश्वर, प्रतीत होता है इस बीरबल ने गुरुवर को कोई मादक द्रव्य पिला दिया है। अरे कहीं ये सत्य ना कह दे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्षमा करना गुरुवर, किंतु मुझे आपको मूर्छित करना पड़ेगा। हमको पता चला है कि थारे यहाँ कृष्णा नदी में हीरे की खदान मिली से। हमारा सोचना सही था कि हीरो की खदान के विषय में पता चलने के पश्चात ही आप दोनों यहाँ पर धन निवेश करने के लिए आए। जी जी, लेकिन क्या ये सत्य है कि नदी में हीरो की खदान है? सत्य सत्य है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? के हमसे अधिक और कोई नहीं जानता। के है सत्य। सत्य ये है कि ये जो के है, गुरुजी आपका मूर्छित होना तय है। बताया नहीं हमने सत्य, हम बता देते हैं। सत्य ये है कि जो वो खदान है वो के है। अरे सत्य ये है कि ये के है। अरे छोड़ो सत्य। जीव जीव। अरे क्या बेटी की सत्य ये है कि तथाचार्य जी, हम अभी चोर को देख कर आए हैं। हम थारे साथ आते हैं। जी पुरवर। सत्य ये है कि कृष्णा नदी में कोई हीरे की खान है ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे पंडित रामाकृष्णा, आप यहाँ? मैं यहाँ और आप लुटिया डुबो के मानेंगे। ये लीजिए लीजिए पीजिए। पंडित रामाकृष्ण यहाँ, कहीं ये हमें पहचान न ले। हाँ
हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण ने अपने मित्र बीरबल को चकमा तो दे दिया, किंतु बीरबल भी कहां मानने वाले थे। महाराज अकबर के साथ व्यापारी का भेष धरकर पहुंच गए गुरुवर के निवास पर। अब देखना ये है कि क्या हीरो की खदान का सत्य हमारे मित्र के मित्र बीरबल राजगुरु से उगलवा लेंगे, या हमारे मित्र पुनः ये बाजी पलट देंगे।